DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड अगर आप किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, हमने DBMS के लिए दो सीरीज स्टार्ट की हैं, एक बिगिनर्स के लिए और एक एडवांस के लिए। एडवांस मीन्स जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी PSU के लिए तैयारी कर रहे हैं या और दूसरे टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत अच्छी रहेगी। हम इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रहेंगे। और साथ के साथ ही इन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इससे आपका थ्योरेटिकल पार्ट और MCQs वाला पार्ट दोनों कवर होगा। कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन, अच्छे वीडियोस और अच्छे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स दिए जाएं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इन द रिलेशनल मॉडल कार्डिनलिटी इज टर्म्ड एज। तो सबसे पहले देखो, कुछ बेसिक टर्म के बारे में बात करते हैं, रिलेशनल मॉडल की बात करते हैं। तो देखो, जैसे डेटाबेस बनाया जाता है, डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ऐसे बेसिक डेफिनेशन कही जाती है। तो किसी भी चीज़ को बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ मॉडल्स हमारे पास होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो डेटाबेस को भी जब बनाया जाता है तो डेटाबेस को बनाने के लिए कई मॉडल्स हमारे पास होते हैं जिनके रूल्स रेगुलेशंस को हम फॉलो करके एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, और उसके बाद फिर हम फाइनल उसको डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास उनमें से एक इम्पॉर्टेंट मॉडल होता है जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल मॉडल। तो उसी रिगार्ड में ये बात कही जा रही है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिलेशनल मॉडल में कार्डिनैलिटी को हम क्या कहते हैं। तो कार्डिनैलिटी का जो मतलब होता है वो टपल से होता है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ टपल्स, कार्डिनैलिटी का सीधा मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ टपल से। ठीक है, अगर देखो हम टपल्स की बात करें तो डेटाबेस की लैंग्वेज में जो टपल्स है, टपल एक टर्म यूज़ होता है डेटाबेस में, एक लैंग्वेज होती है, इसको हम बोलते हैं रिलेशनल एल्जेब्रा। तो रिलेशनल एल्जेब्रा में कुछ टर्म्स हैं जो थ्योरेटिकल टर्म्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, उन्हीं में से एक टर्म है आपका टपल। टपल का मतलब होता है आपकी टेबल में जो एक रो होता है, रो या फिर एक रिकॉर्ड, हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड, उसको हम एक टपल बोलते हैं। वही दोस्तों, अगर हम बात करें एट्रीब्यूट्स की, तो एट्रीब्यूट ये आपकी टेबल का जो कॉलम होता है उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। रिलेशनल जब टर्म जुड़ता है, चाहे रिलेशनल मॉडल या रिलेशनल एलजेब्रा या रिलेशनल डेटाबेस, तो वहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं, उन्हीं में से ये टर्म्स हम ले रहे हैं। टपल जो एक रो को बोला जाता है, एट्रीब्यूट जो है, जो एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट को जो है कॉलम बोला जाता है। ठीक है, टेबल को यहाँ पर रिलेशन बोला जाता है, और कंस्ट्रेंट एक टर्म और आता है, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट को हम बोलते हैं रूल्स, रूल्स रेगुलेशंस। हम डेटाबेस के ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगाते हैं और उन रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से डेटाबेस फिर उसमें काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने डेटाबेस में या टेबल में कोई एंट्री लगा दी या एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि एक सैलरी नाम का कॉलम है, सैलरी में हम चाहते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 0 एंटर ना हो, तो उसके लिए कंस्ट्रेंट बनाते हैं और रूल लगाते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय की वैल्यू 0 एंटर करने की कोशिश की जाएगी तो वो मना कर देगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, रिलेशनल कैलकुलस की बात की गई है। तो सबसे पहले ये समझते हैं रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है। तो हमारे डेटाबेस में, डेटाबेस और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए, डेटाबेस और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए कई लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, कई मीडियम्स यूज़ होते हैं, उनमें से एक मीडियम रिलेशनल कैलकुलस है। जैसे आपने सुना होगा SQL की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो SQL एक लैंग्वेज है, डेटाबेस लैंग्वेज है, जो कि यूज़र इस लैंग्वेज को यूज़ करके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। इसी तरह से और दूसरी लैंग्वेजेस हैं, जैसे रिलेशनल अलजेब्रा होती है, ऐसे ही रिलेशनल कैलकुलस भी एक लैंग्वेज है जो कि एक फार्मूला बेस्ड लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो रिलेशनल कैलकुलस इज़ अ मीडियम, इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रिलेशनल एलजेब्रा किस तरह की लैंग्वेज है, या प्रोसीजर लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजर है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो देखो, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, प्रोसीजर नॉन प्रोसीजर का क्या मतलब होता है। तो प्रोसीजर लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी बताया जाए और साथ में प्रोग्राम भी बताया जाए, कंसेप्ट भी बताया जाए, मतलब कि क्या
डेटा की हमें ज़रूरत है या किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी क्लियर है और साथ में उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, मींस हमें डेटा कौन सा लाना है ये भी हमें बताया जाए और किस तरह से लाया जाएगा वो डेटा ये भी हमें बताया जाए, तो ये प्रोसीजरल कंसेप्ट होता है। वेर एज नॉन प्रोसीजरल में सिर्फ ये बताया जाता है कि ये डेटा कैसे मिलेगा, उसका तरीका नहीं बताया जाता है। वेर एज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ऐसी लैंग्वेज जो ईजीली यूज़र समझ पाता है, जैसे कि आपकी जावा लैंग्वेज है, डॉट नेट के बहुत सारे सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस कैटेगरी में आते हैं। तो रिलेशनल कैलकुलस की यहाँ पर बात की जा रही है, तो रिलेशनल कैलकुलस जो है यहाँ पर एक नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। रिलेशनल कैलकुलस जो है आपका यहाँ पर एक नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीजर मीन्स कि ये सिर्फ ये बताता है कि हमें किस डेटा की ज़रूरत है, वो डेटा कैसे मिल रहा है, डेटा मिल रहा है ये हमें बताया जाएगा, कि डेटा कैसे मिल रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये इस कंसेप्ट में हमें नहीं बताया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट इज़। तो देखो यहाँ पर जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात आ रही है। डेटाबेस में एक कंसेप्ट आता है थ्री लेवल आर्किटेक्चर, जिसमें डेटाबेस को जो है तीन लेवल में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक लेवल होता है जो सबसे नीचे वाला लेवल होता है वो ये होता है फिजिकल लेवल, ठीक है। उसके बीच में होता है कंसेप्चुअल लेवल और सबसे टॉप पर होता है एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। और जो आपका ये इंटरनल लेवल है, इस इंटरनल लेवल को ही हम फिजिकल लेवल भी बोलते हैं, मींस ये दोनों जो है अल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं टर्म। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ये आपका व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस को जो कंसेप्ट है वो किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो देखो यहाँ पर एक सिंपल सा कंसेप्ट आता है इसका, कंसेप्चुअल व्यू। जब कभी भी डेटाबेस के कंटेंट्स की, ओवरऑल डेटाबेस की कंटेंट्स की बात की जाए, तो वहाँ पर आपके माइंड में सिर्फ एक ही पॉइंट आना चाहिए, वो है कंसेप्चुअल व्यू। जो आपका एक्चुअल डेटाबेस जो होता है वो कंसेप्चुअल व्यू में होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्टेशियन प्रोडक्ट इन रिलेशनल अलजेब्रा इज़। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। देखो हमारे डेटाबेस में जो है जो डेटाबेस होता है वो टेबल्स का कलेक्शन होता है। डेटाबेस जो है अलग अलग जगह पर रखा जाता है टेबल्स की के फॉर्म में, और डेटा सारा रिलेटेड होता है, इंटर रिलेटेड होता है। तो उन डेटा को जो है एक साथ कलेक्ट करने के लिए हमें जॉइंस के कंसेप्ट यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक जॉइन का टाइप है जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशनल अलजेब्रा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिलेशनल अलजेब्रा एक डेटाबेस की लैंग्वेज होती है। बहुत सारे डेटाबेस के लैंग्वेज हैं, जैसे एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा, टपल रिलेशनल कैलकुलस, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, ऐसे करके कई मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम डेटाबेस के साथ डेटा को रिट्रीव करने के लिए या डेटा को इंसर्ट करने के लिए या डेटाबेस के साथ काम करने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। उनमें से एक तरीका है हमारा रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। तो रिलेशनल अलजेब्रा में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक जॉइन का तरीका होता है। तो ये क्रॉस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करने के लिए हम सिंपल एक क्रॉस सिंबल का यूज़ करते हैं। क्रॉस सिंबल के लेफ्ट साइड में एक रिलेशन होता है, क्रॉस सिंबल के राइट साइड में एक रिलेशन होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ए एक टेबल है, बी एक टेबल है, ए के अंदर कुछ कॉलम्स होंगे, बी के अंदर कुछ कॉलम्स होंगे। अब उन कॉलम से डेटा उठा के हमें कंबाइन करके एक सेट में लेके आना है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कार्टेशियन प्रोडक्ट इन रिलेशन अलजेब्रा इज़ ए बाइनरी प्रोडक्ट, बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि इसमें हमें दो रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्लियरली इसको आप समझ सकते हैं ये बाइनरी ऑपरेटर हमारा होगा, ठीक है। तो इसका जो है बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है, बहुत बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि DML एक लैंग्वेज होती है। तो मैं आपको बता दूँ DML एक लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ लैंग्वेज SQL, या कोई भी डेटाबेस की जो लैंग्वेज है उसकी जो कमांड्स हैं उन कमांड्स को हम कैटेगराइज करते हैं। उन्हीं कैटेगरीज में से एक तरीका होता है DML, ठीक है। जो बेसिक कैटेगरीज होती हैं वो दो होती हैं, एक DDL होता है और एक DML होता है, ठीक है। DDL होता है और एक DML होता है, DML और DDL, ठीक है। DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो प्राइमरीली जो है ये दो कैटेगरी मानी जाती हैं, ठीक है। और इन दो कैटेगरी को हम
कुछ कमांड्स के फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे कि इसका नाम ही है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये डेटा को मैनिपुलेट करती है, डेटा को रिट्रीव करती है, डेटा को मैनिपुलेट करती है। तो आप देखो ऑप्शंस पढ़ सकते हो, ऑप्शन में पढ़ते ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। सी आंसर आप इसका देखिए, मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को प्रोसेस करना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ, जो पहला वाला ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, ये काम इसका नहीं, ये DDL का काम होता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये काम करती है, जो हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बनाती है। स्ट्रक्चर के साथ जब भी काम किया जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के साथ किया जाता है। वही जबकि मैनिपुलेशन की बात आती है, डेटा अपडेशन, डेटा डिलीशन, डेटा सेलेक्शन, डेटा इंसर्शन, ये सारी की सारी कैटेगरीज हमारे DML के अंदर आते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6, एज क्लॉज इज यूज्ड इन SQL फॉर। तो SQL जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है उसमें एज क्लॉज क्यों यूज़ होता है? देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ये एडवांस लेवल के, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आपको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ इन सारी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चंस को भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, तो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ये देखने को मिल जाते हैं। रिपीटेडली ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और हम आपको एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो एज कीवर्ड की बात की जा रही है, तो जब भी कभी एज कीवर्ड की बात आए तो आपसे एक चीज़ याद रखना है आपको, रीनेम। एज का मतलब होता है रीनेम, रीनेम ऑपरेशन। एज जो होता है रीनेम करता है, ये कॉलम को रीनेम करता है। ठीक है, जैसे आप किसी टेबल के अंदर कोई कॉलम है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, हम उसको चेंज करना चाहते हैं सिर्फ नेम, तो एज कीवर्ड के थ्रू किया जा सकता है। अगर मैं इसकी कमांड की बात करूँ तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे सेलेक्ट, सेलेक्ट मैंने लिखा एफ अंडरस्कोर नेम, ये एक कॉलम है, मैं चाहता हूँ कि इसका नाम सिर्फ नेम हो जाए, तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट एफ नेम, एफ नेम के बाद एज कीवर्ड आएगा, एज कीवर्ड के बाद नया नाम आ जाएगा इस कॉलम का। सेलेक्ट एफ नेम एज नेम, और उसके बाद हम क्वेरी को कंप्लीट कर देंगे फ्रॉम, और उसके बाद टेबल का नाम। ठीक है, तो सेलेक्ट एफ नेम एज नेम फ्रॉम एम्प्लॉई। तो इस तरह से जो है ये इसके लिए यूज़ होता है, किसके लिए? रीनेमिंग के लिए। तो एज कीवर्ड जब कभी भी आपको मिले आप क्लियरली आपके माइंड में आ जाना चाहिए रीनेम ऑपरेशन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑपरेशन जो होता है वो कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जॉइन ऑपरेशन दो टेबल्स से डेटा को जॉइन करने के लिए यूज़ होता है, और सेलेक्शन ऑपरेशन जो होता है ये कंडीशन के साथ डेटा कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि जैसे हम सारे किसी टेबल के सारे डेटा को यूज़ करना चाहें, डिस्प्ले करना चाहें, तो सेलेक्शन ऑपरेशन यूज़ किया जाता है। तो एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा, ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। एक्चुअली ये जो है एक तरीका होता है जिससे हम जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए ये मेथड तरीका इसको यूज़ किया। तो कभी कभी इसकी जो है अक्सर फुल फॉर्म के बारे में पूछ लिया जाता है कई टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स में, तो आपको ध्यान रखना, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी में, एक्चुअली ये ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी हम इसको डिनोट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन बी व्यूड एज। तो डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है ये 3 लेवल है, आप ध्यान रखना हमेशा 3 लेवल होता है, कई लेवल के जो आर्किटेक्चर होते हैं ये 3 लेवल का हमारा आर्किटेक्चर होता है, 3 लेवल। एक जैसे 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, n लेवल, ऐसे करके इसमें लेवल्स होते हैं। तो 3 लेवल की जब हम बात करते हैं, जब 1 लेवल की हम बात करते हैं तो 1 लेवल में एक ही मशीन पर सारे लेवल्स होते हैं आपके प्रोजेक्ट के, जैसे उसका क्लाइंट एंड, उसका सर्वर एंड, उसका डेटाबेस एंड। वैसे ही अगर हम डेटाबेस की, जब डेटाबेस अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस में उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा उसको 3 लेवल में यूज़ किया जाता है। तो जब कभी डेटाबेस के आर्किटेक्चर की बात करें जो आजकल के एनवायरनमेंट में यूज़ होता है, करंट सिनेरियो में यूज़ होता है, तो हमेशा ध्यान रखना 3 लेवल में यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इन ए रिलेशनल मॉडल रिलेशंस आर टर्म्ड एज। ध्यान रखना है रिलेशनल मॉडल, जब भी मैंने आपको बताया था रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल अलजेब्रा, जब भी रिलेशनल वर्ड जुड़े तो रिलेशनल मॉडल में जो रिलेशंस हैं उनको टेबल को कहा जाता है। तो ध्यान रखना है ये टेबल इसको कहा जाता है, टेबल। रिलेशन का मतलब टेबल होता है, टपल का मतलब रो होता है, एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम होता है, ये रो ऑलरेडी दे रखा है, तो टपल और रो ये एक ही बात है, एट्रीब्यूट्स का मतलब
कॉलम्स होता है, या उसको कभी कभी हम फील्ड भी बोल देते हैं, और जो रिलेशन टर्म है ये टेबल के लिए यूज़ किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इन। डेटाबेस की स्कीमा जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था, ध्यान रखना जब कभी भी स्कीमा, स्कीमा होता है आपका डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है उसको स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म है डेटाबेस की लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। डेटाबेस स्कीमा का जब जो रिटन, रिटन की बात है मतलब स्ट्रक्चर, तो जब कभी भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर की बात आती है तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आपको यूज़ करना है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आपको यूज़ करना है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL। तो डेटाबेस स्कीमा किस चीज़ में लिखी जाएगी? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, हाई HLL ये कुछ नहीं है, DML एक तो यहाँ पर यूज़ होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और एक होता है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DML मैंने आपको भी बताया था, DML इज़ यूज टू मैनिपुलेट द डेटा, डेटा को चेंज करना, डेटा को चेंज करना है, ना कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को लिखेगा कौन, उसको स्ट्रक्चर को बनाएगा कौन, उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कौन करेगा? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ डेटा के साथ काम करता है। वहीं अगर हम DCL की बात करते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें हमारी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ कमांड्स आते हैं, जैसे कमिट आता है, एक कमांड होता है कमिट, एक कमांड होता है रोल बैक, ऐसी एक और कमांड होता है सेव पॉइंट। ठीक है, सेव पॉइंट यूज़ होता है। तो ये हमारे DCL आगे आएंगे, उसको हम बताएंगे आगे। DCL का जो मतलब होता है DCL का डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये ग्रांट और रिवोक से होता है। इसका मतलब ग्रांट और रिवोक, एक होता है TCL जिसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये होता है TCL, ये होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जिसमें कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट होते हैं। एक होता है DCL, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा को कंट्रोल करने के लिए। डेटा को कंट्रोल करने के लिए दो कमांड यूज होती हैं, एक होती है ग्रांट और एक होती है रिवोक। ये दो कमांड है, यूज़र से कंट्रोल को वापस लेना उसके लिए रिवोक कमांड यूज़ होती है, यूज़र को कंट्रोल देना इसके लिए ग्रांट कमांड यूज़ होती है। तो ये दो कमांड है जो DCL के अंडर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा DDL, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेटाबेस स्कीमा DDL में लिखी जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन द आर्किटेक्चर ऑफ आर डेटाबेस सिस्टम एक्सटर्नल लेवल इज। तो देखो, ये थोड़ा सा हमें इंटर रिलेट करना पड़ेगा। जो हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक्चुअली तीन लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जो नीचे वाला लेवल होता है इसको हम बोलते हैं फिजिकल लेवल, ये जो बीच वाला लेवल होता है इसको हम बोलते हैं कंसेप्चुअल लेवल, और जो थर्ड ऊपर लेवल होता है इसको बोलते हैं व्यू लेवल। ठीक है, तो जो हमारा फिजिकल लेवल है इसी को हम बोलते हैं इंटरनल, जो हमारा ये बीच वाला लेवल कंसेप्चुअल इसको हम बोलते हैं लॉजिकल, और जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है, डेटाबेस सिस्टम एक्सटर्नल लेवल कौन सा होता है? तो आप देखते बता सकते हो, एक्सटर्नल लेवल हमारा कौन सा है? व्यू लेवल। एक्सटर्नल लेवल हमारा कौन सा होगा? व्यू लेवल। ठीक है ना, तो जो अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल मींस की इंटरनल, अगर हम लॉजिकल की बात करें तो कंसेप्चुअल, ये बी और सी दोनों एक ही बात है, और व्यू की बात करें तो एक्सटर्नल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म ए प्राइमरी की इज अ। तो देखो, ये एंटिटी सेट का क्वेश्चन आ गया है। ये आपका डेटाबेस में एक टर्म, एक कंसेप्ट यूज होता है, ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एंटिटी सेट की बात करें तो एंटिटी सेट दो तरह के होते हैं, एक एंटिटी सेट होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और दूसरा होता है वीक एंटिटी सेट। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की डेफिनेशन यही होती है कि ऐसा एंटिटी सेट जिसकी प्राइमरी की खुद के एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके बनाई जाती है। मीन्स ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा एंटिटी सेट जिसकी अपनी खुद की प्राइमरी की होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है। ऐसा एंटिटी सेट जिसके पास अपनी खुद की प्राइमरी की नहीं होती है वीक एंटिटी सेट होता है। तो देखो, इसमें अगर आप इसको देखो क्वेश्चन को, तो इसके लिए आप इसका आंसर बता सकते हो। एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म प्राइमरी की, सिंपली हम इसको समझ सकते हैं वीक एंटिटी सेट। तो आंसर हमारा हो जाएगा वीक एंटिटी सेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड,
हायरार्किकल देखो, जैसे मैंने बताया था कि मॉडल होते हैं, मॉडल मींस की प्रोटोटाइप, जिससे हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। डेटाबेस अभी बनाने वाले हैं तो उससे पहले एक मॉडल हम बनाते हैं, प्रोटोटाइप को हम फॉलो करते हैं, जिससे हम एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, उसके बाद फाइनली हम उसको डेटाबेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कई मॉडल यूज़ होते थे, ये हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ये पहले यूज़ हुआ करते थे, ऑब्सोलीट हो गए। अब आजकल नए डेटा मॉडल्स यूज़ होते हैं, जैसे रिलेशनल मॉडल यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल यूज़ होता है। तो हायरार्किकल मॉडल ये हमारा कन्वेंशनल मॉडल है, इसको इसके बारे आजकल यूज़ नहीं होता, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हायरार्किकल मॉडल का स्ट्रक्चर की बात की गई है, तो इसमें हायरार्किकल मॉडल एक ट्री के फॉर्म में डेटा को प्रोटोटाइप में तैयार करता था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मैं इनकी PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन 14। इन एन ER डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई। अब देखो, ER डायग्राम के एक नोटेशंस होते हैं। ER डायग्राम जो होता है डेटाबेस का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। हम डायग्राम के फॉर्म में जो है डेटाबेस को बनाते हैं। जब उसका डायग्राम पूरा डेटाबेस पूरा डायग्राम के फॉर्म में तैयार हो जाता है, तब फाइनली हम उसको टेबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ER डायग्राम एक अच्छा तरीका होता है डेटाबेस के सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो उसी के रिगार्ड्स में कुछ नोटेशंस होते हैं। ER डायग्राम में जो है अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग नोटेशन से डिनोट करते हैं। उन्हीं में से एक ही चीज़ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एट्रीब्यूट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना बेटा, एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिप्स यूज़ होता है, ओवल शेप यूज़ होती है। इस तरह से एक शेप हम इसको यूज़ करते हैं। जो ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल जो यूज़ होता है, रेक्टेंगल ये एंटिटी के लिए होता है, ओवल इसके लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन केस ऑफ एंटिटी इंटीग्रिटी द प्राइमरी की मे बी। अब देखो, इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी मतलब होता है कि किसी डेटाबेस की वैल्यूज़ जो है उनकी सेंटिटी बनी हुई है, वैल्यूज़ प्रॉपर हैं, वैल्यूज़ में लॉस नहीं है। तो ये दो तरीके से हम इसको एंटिटी को डिफाइन करते हैं, एक एंटिटी इंटीग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो एंटिटी इंटीग्रिटी जो ये रिलेटेड होती है प्राइमरी की से, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो रिलेटेड होती है फॉरेन की से। ठीक है, तो फॉरेन की जब आगे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊँगा उसमें कि उसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या होता है। अभी हम बात करते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी की, तो प्राइमरी की से रिलेटेड है। तो इसमें इन्होंने कहा कि एंटिटी इंटीग्रिटी में प्राइमरी की का क्या वैल्यू हो सकता है। तो इसमें यह बताया गया कि एंड प्राइमरी की जो है ये नॉट नल होता है, प्राइमरी की जो है नॉट नल होता है, प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकती। प्राइमरी की ये डेफिनेशन होती है, ये एंटीटीग्री अपने आप में ये एंटिटी इंटीग्रिटी है, प्राइमरी की डेफिनेशन भी है, ये एंटिटी इंटीग्रिटी के कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करता है। इसमें यूनिक वैल्यूज होती हैं और कभी भी ये नल नहीं होता, इसमें नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17। द लैंग्वेज यूज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द DBMS इज रेफर टू एज। तो एक चीज़ देखिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम मीन्स जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और जैसे फॉर्म पर हम डेटा को रिट्रीव करते हैं डेटाबेस से, तो वहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता है डेटाबेस का। जैसे आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर के अपना रोल नंबर डालते हो, सबमिट पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपका आप ही का डेटा, आपके मार्क्स डेटाबेस से उठ के आपके सामने आ जाते हैं आपकी मार्कशीट के फॉर्म में। तो आपके सामने जो एप्लीकेशन है, जो इंटरफेस है, उस पर कौन सा फॉर्म डेटाबेस की लैंग्वेज का लिखा हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आसानी से आप बता सकते हो, इसको DML बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन, जब कभी भी डेटा की बात आएगी तो हमेशा ध्यान रखना है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा को देखना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को अपने सामने लेके आना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को चेंज करना, ये सारे काम DML लैंग्वेज करती है। तो डेटा मैनिपुलेशन, जब भी डेटा की बात आएगी DML, जब भी डेटाबेस की स्ट्रक्चर की बात आएगी DDL, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, 18 क्वेश्चन। ए लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा क्या होता है? मैंने बताया था कि लॉजिकल स्कीमा जो है एंटायर डेटाबेस होता है। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, रिवर्स क्वेश्चन आया, पहले एंटायर डेटाबेस की बात आई थी, उसको लॉजिकल पूछा था, इस बार लॉजिकल स्कीमा दे दिया, तो एंटायर डेटाबेस। तो जो आपका जो एंटायर डेटाबेस होता है उसी को हम लॉजिकल स्कीमा बोलते हैं। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि अलग अलग हम उसके डेफिनेशन देने लगते हैं, पर सिंपल सा आपको एक कीवर्ड ध्यान रखना है बस, कि लॉजिकल स्कीमा का मतलब ही हमारा एंटायर डेटाबेस होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रिलेटेड फील्ड्स इन ए डेटाबेस आर ग्रुप्ड टू फॉर्म ए। ठीक है, तो देखो हमारे फील्ड्स, फील्ड का मतलब देखो, मैंने बताया था फील्ड टर्म आ गया पहले। अभी हमने टर्म देखा था एट्रीब्यूट,
एट्रीब्यूट को हमने कॉलम बोला था, कॉलम हम डेटाबेस की लैंग्वेज में बोलते हैं, एट्रीब्यूट उसको रिलेशनल अलजेब्रा की लैंग्वेज में बोलते हैं, वही उसको फील्ड भी बोल देते हैं, एक और इसका ऑल्टरनेटिव नेम है फील्ड। तो कॉलम की अलग अलग वैल्यूज हैं, जुड़ के क्या बनाएंगी, ऑब्वियसली क्या बनाएंगी, एक डेटा रिकॉर्ड बनाएंगी। ठीक है, तो रिलेटेड फील्ड्स, आप मतलब रिलेटेड फील्ड का मतलब है कि एक एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय की एज, तो ये इंटर रिलेटेड, ऐसा नहीं कि एज किसी और की और नाम किसी और का, रिलेटेड फील्ड्स जुड़ के क्या बनाएंगे, एक डेटा रिकॉर्ड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द डेटाबेस एनवायरमेंट हैज़ ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट। तो डेटाबेस का जो एनवायरमेंट है उसमें क्या होता है, देखो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, फाइल्स भी होती है, डेटाबेस भी होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो डेटाबेस को कंट्रोल करता है। फाइल्स हैं जिसमें हमारा डेटाबेस रखा जाता है। डेटाबेस एक्चुअली टेबल्स का कलेक्शन होता है, यूज़र इसमें नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ए। तो डेटाबेस एनवायरमेंट में यूज़र को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। द लैंग्वेज विच हैज़ रिसेंटली बिकम द डिफेक्टो स्टैंडर्ड फॉर इंटरफेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स विद रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम इज ऑब्वियसली एसक्यूएल। आँख बंद करके आप इसमें आंसर लगा सकते हो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जब कभी भी डेटाबेस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बात की जाती है तो हमेशा एक ही नाम आता है, वो है एसक्यूएल। ओरेकल लैंग्वेज नहीं है, ओरेकल एक कंपनी है, ओरेकल के नाम से ही ओरेकल का प्रोडक्ट है, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक्चुअली डेटा को स्टोर करता है। उस डेटा को यूज़र कैसे रिट्रीव करेगा, कैसे हैंडल करेगा, वो किसी लैंग्वेज के थ्रू होगा, तो वो लैंग्वेज कौन सी होगी, एसक्यूएल। ऐसे DBS ये भी एक डेटाबेस होता है। ठीक है, तो 4GL जो हमारी डेटाबेस की लैंग्वेज नहीं है, तो SQL की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आँख बंद करके आप SQL लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22। द वे ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन व्यूज द डेटा फॉर्म द डेटा बेस दैट एप्लीकेशन यूजेज इज अ, तो इसका आंसर आप लगा सकते हो क्लियरली, सब स्कीमा। देखो स्कीमा एक्चुअली होता है हमारा डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर, लेकिन जब किसी फॉर्म के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू किसी डेटा को देखा जा रहा है तो उसको सब स्कीमा बोला जाता है। रिलेशनल मॉडल हमारा पूरा डेटाबेस का कलेक्शन होता है, स्कीमा हमारा ओवरऑल डेटाबेस होता है, मॉड्यूल हमारा एप्लीकेशन में होता है, तो सब स्कीमा की यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सब स्कीमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। इन एन ईआर डायग्राम एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेटिव है, तो अभी बात है नोटेशन की बात कर रहे हैं, एंटिटी सेट। तो एंटिटी सेट को मैंने बताया भी था, रेक्टेंगल बॉक्स से हम डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स से इसको डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रिपोर्ट जनरेटर इज यूज टू, द जनरल सा क्वेश्चन हो गया, टू प्रिंट द फाइल्स ऑन अ पेपर। ठीक है, सिंपल सा जनरल क्वेश्चन है ये, तो ये रिपोर्ट जनरेटर इज यूज टू प्रिंट फाइल्स ऑन अ पेपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा बेस इज आर, डेटा बेस की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। तो आप देखोगे इन स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इट कंसोलिडेट सेपरेट फाइल्स इनटू ए कॉमन पूल ऑफ डेटा रिकॉर्ड, बिल्कुल ठीक है। अलग अलग टेबल्स के फॉर्म में, जो फाइल्स के फॉर्म में डेटा रखा रहता है, हम उनको कलेक्ट करके एक डेटा बेस में इंटीग्रेट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। डेटा स्टोर्ड इन अ डेटा बेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजिंग इट, बिल्कुल ठीक है। डेटा बेस एक सेपरेट जगह पर रखा हुआ है, वो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को जब जरूरत पड़ती है तो DML लैंग्वेज को यूज़ करके डेटा बेस से डेटा को उठा लिया जाता है। तो यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर, DBMS लैंग्वेज कंपोनेंट विच कैन बी एम्बेडेड इन ए प्रोग्राम। देखो मैंने अभी पहले ही बताया था कि प्रोग्राम में कौन से लैंग्वेज का कौन सा कंपोनेंट यूज इंटीग्रेट होता है, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL जो है डेटाबेस को बनाने के लिए यूज़ होता है, और जो DBA है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन कमांड्स को यूज़ करता है डेटाबेस को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर DML ठीक रहेगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ही का ही वो कंपोनेंट है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीग्रेट होता है। जैसे आप अपना यूनिवर्सिटी की साइट पर रोल नंबर डाल के अपने मार्क्स को रिट्रीव करते हो, तो आपके एंड पर जो एप्लीकेशन है उसमें जो कमांड्स हैं कौन सी लिखी हुई हैं, DML कमांड्स लिखी हुई हैं, उन्हीं की वजह से आपका डेटा, आपके मार्क्स साइट से उठ के आपके सामने आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर रेफर्स टू ए रिकॉर्ड एज, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, टपल। ये बताया था मैंने पहले भी आपको, टपल या रो या फिर एक रिकॉर्ड, हॉरिजॉन्टल पूरी एक वैल्यू, पूरी वैल्यू का सेट, रिकॉर्ड टपल या फिर रो,
एक बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशनल मॉडल फीचर इज दैट देयर इज नो नीड फॉर प्राइमरी की डेटा इज मच मोर। देखो रिलेशनल डेटा मॉडल की फीचर क्या कह रही है, तो देखो क्या इसमें प्राइमरी की जरूरत नहीं होती है? गलत, पहला तो गलत हो गया। इज सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इज मच मोर डेटा इंडिपेंडेंट देन अदर डेटाबेस मॉडल। यस, यही हमारा आंसर सही है। बाकी अलग दूसरे डेटाबेसेस मॉडल्स के कंपैरिजन में रिलेशनल मॉडल हमें ज़्यादा डेटा इंडिपेंडेंसी देता है, जो उन तीन लेवल्स के फॉर्म में, जो एक्स्ट्रा मैंने बताया था आपको, एक्सटर्नल होता है, फिर कंसेप्चुअल होता है, फिर व्यू लेवल होता है। तो इस अलग अलग लेवल पर डेटाबेस में डेटा की अलग अलग इंडिपेंडेंसी होती है। तो यही आंसर इसका सही होगा, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका 28 का भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कंसेप्चुअल डिज़ाइन, फिर देखो कंसेप्चुअल डिज़ाइन आ गया। कंसेप्चुअल डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, लॉजिकल डिज़ाइन। कंसेप्चुअल डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन। तो क्या कह रहे हैं, कंसेप्चुअल डिज़ाइन इज अ डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक, नो, नीड्स डेटा वॉल्यूम एंड प्रोसेसिंग फ्रिक्वेंसीज टू डिटरमाइन द साइज ऑफ डेटाबेस, देखते हैं, इन्वॉल्व्स मॉडलिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटा, DBMS, इन्वॉल्व्स मॉडलिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटाबेस। तो इसका ये आंसर ठीक हो जाएगा सी। जो कंसेप्चुअल डिज़ाइन है, इन्वॉल्व्स मॉडलिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस को डेटा की मॉडलिंग करता है इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंस टर्म जब भी आ जाएगा तो हमारे रिलेशनल डेटा मॉडल की ये फीचर आती है, तो मॉडलिंग इंडिपेंडेंट। 29 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। 30 30 30 क्वेश्चंस की हम सीरीज़ ऐसे लेके आएंगे और इनको कंटिन्यू करते रहेंगे, कंप्लीट करते रहेंगे। आपके जो DBMS, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और आप इन क्वेश्चंस को देखते हो, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। आपके टेक्निकल क्वेश्चंस, टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी, टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स के लिए आपकी तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द मेथड इन विच रिकॉर्ड्स आर फिजिकली स्टोर्ड इन अ सेपरेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए की। तो इसमें हैशिंग टेक्निक यूज़ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे, कौन से टेक्निक के थ्रू यूज़ होते हैं, हैशिंग टेक्निक यूज़ होती है। सिंपल यूज़ करते हैं, डायरेक्ट सिक्वेंशियल, ऑल अबाउट, ये गलत होगा, हैशिंग टेक्निक इसमें यूज़ होती है। तो ये दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कुछ सजेशन हो तो सजेशन भी प्लीज़ बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और इसके जो भी हम ये वीडियोस बनाएंगे, क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो बार बार कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। इसकी PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।